मोदी सरकार के फैसलों से कर्मचारी उखड़ रहे हैं। सरकार सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है, जिसे कर्मचारी सरकार का तुगलकी फरमान बता रहे हैं। कर्मचारी विरोध स्वरूप धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी विभागों के निजीकरण करने की कड़ी में रेलवे विभाग का भी निजीकरण किया जा रहा है। आलम यह है कि रेलवे कर्मचारियों के निजीकरण के खिलाफ व बोनस की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तेजी पकड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्मचारी मांगे नहीं मानने पर रेल रोको जैसे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के निजीकरण करने तथा नई पेंशन नीति का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में रेलवे के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की रेलवे का निजीकरण करने तथा नई पेंशन नीति कर्मचारी विरोधी है। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो वे रेल रोको आंदोलन करेंगे। आपको यहाँ यह भी बता दें कि 70 के दशक में यह पहली बार हुआ है कि कामकाज बंद कर हड़ताल की जा रही है। इसके अलावा हर साल दीपावली के पहले कर्मचारियों को जो बोनस दिया जाता था वो भी देने की मांग की गई। आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारियों और जनमानस के विरोध में लिए गए इस निर्णय का कांग्रेस पहले से ही आंदोलन का विरोध कर चुकी है, जिससे इस सरकार के इस निर्णय को बड़ा झटका लग सकता है। राजानंद गांव से संवाददाता इलास सिद्दीकी की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।